ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा द्वारा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायतों में कॉम्पेक्स के बजट का पैसा लैप्स हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मनरेगा का पैसा पंचायतों को रिलीज किया जाए ताकि पंचायतों में विकास कार्य करवाया जा सके। लैप्स हो रहा है वो उस पैसे का 9000 करोड़ रुपए का जो फायदा जो है ना तो पंचायतों को हुआ, ना बीडीसीज को हुआ, ना डीडीसीज को हुआ। तो इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को, पूरे जम्मू कश्मीर की पंचायतों को, पूरे 4200 पंचायतों को बहुत बड़ा नुकसान जो है इस वक्त जो है वो हो चुका है। और इसके साथ साथ हमारा जो है 14FC का जो 2019-20 की जो हमें इंस्टॉलमेंट मिलनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो भी अभी तक नहीं मिल पाई है। हम लोगों ने कश्मीर में भी जम्मू में भी पंचायतों के अंदर पंचों सरपंचों ने प्लान तैयार किए, लोगों को शामिल किया, ग्राम सभा की, सारा जे चीज़ें की, लेकिन रिजल्ट जो है वो जीरो निकला। और हमारा अभी तक 19-20 का जो 14FC का अमाउंट था वो भी नहीं आया। इसके साथ साथ तीसरी हमारी जो बात है वो थी एमजी नरेगा की लाइबिलिटी 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2019-20 भी, जो करंट ईयर भी जो चल रहे हैं, मटेरियल लाइबिलिटी हमारे लोगों को नहीं मिली। जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो छोटे छोटे, इनको लफ्जों में जो है वो तोला जाता है बड़े वेंडर हैं, लेकिन असल में जो वेंडर जो है कोई 50,000 रुपये किसी को लेना है, किसी को 1,00,000 लेना है, किसी को 2,00,000 लेना है, किसी को 5,00,000 लेना है। तो इसलिए हम इन लोगों को बड़े पैमाने पे बैंडर नहीं कहा जा सकता, जे कोई बड़े शौकार लोग नहीं है, जे गांव में रहने वाले छोटे छोटे लोग हैं, बैंडर हैं, और जे बड़े ज्यादा सरमायादार लोग नहीं है। इनका भी अमाउंट जो है फौरी तौर पर जो है बागुजार किया जाए, दिया जाए, चूंकि अगर ये नहीं दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में एमजी नरेगा स्कीम जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल कलैप्स हो जाएगी, टोटल फेल हो जाएगी, टोटल खत्म हो जाएगी। तो आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि एक तो हमारा कैपेक्स का जो बजट है, जो अमाउंट है, वो वापस ना जाए, वो लगना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर, और दूसरा 14FC की फौरी तौर पे 2019-20 की इंस्टॉलमेंट जो है वो हमें बागुजार करनी चाहिए, और तीसरा एमजी नरेगा की जितनी भी मटीरियल लाइबिलिटी है वो फौरी तौर पर हमें बागुजार करनी चाहिए, ताकि एमजी नरेगा की स्कीम जो है वो आगे जम्मू कश्मीर के अंदर चले और जम्मू कश्मीर की आवाम को फायदा मिले। और जिस आवाम ने पंचों सरपंचों को चुन के आगे लाया है, पंच सरपंच उनके जवाबदेही हैं, तो पंच